हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसबी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, अगस्त के महीने में मतलब कि 15 अगस्त को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था बॉलीवुड की मूवी खेल खेल में, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर अक्षय कुमार, फरदीन खान, एम ए ब्रिक, तापसी पन्नू, बानी कपूर के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे खेल खेल में मूवी को अब तक थिएटर्स में रिलीज हुए 23 डेज के आसपास का कंप्लीट हो चुका है और इस मूवी के 23 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। चूँकि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे इस मूवी का जो टोटल बजट था वो लगभग 100 करोड़ के आसपास का था, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को हमारे इंडिया में लगभग 1500 के आसपास के ही स्क्रीन रिलीज किया गया। चाहे इस मूवी को लेकर शुरुआत से मार्केट में हाइप तो काफ़ी कम था, जिसके ऊपर से ये मूवी स्त्री 2 जैसी मूवी के ऑपोजिट थिएटर में रिलीज हुआ था, तो उसी के चलते इस मूवी का जो एडवांस टिकट बुकिंग था वो हमें ना के बराबर देखने को मिला और ये मूवी अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को हमारे इंडिया से लगभग 5 करोड़ 20 लाख के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी का रिव्यू थोड़ा सा मिक्स निकलने के वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमें खास बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला। जहाँ पे इस मूवी ने अपने रिलीज होने के लगभग 22 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर पाया था, जिसी के साथ इस मूवी ने अब तक ओवरसीज से भी लगभग 9 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 23 को लगभग हमारे इंडिया से 45 लाख के आसपास का कलेक्शन किया है। जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 22 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए, तो यहाँ पे खेल खेल में मूवी के 23 डेज का जो हमारे इंडिया का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो लगभग 36 करोड़ 45 लाख के आसपास का चला जाता है। जिस कलेक्शन को अगर इस मूवी के ओवरसीज के क्रॉस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए, तो यहाँ पे खेल खेल में मूवी के 23 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 51 करोड़ 56 लाख के आसपास का चला जाता है। जो कलेक्शन एक 100 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए तो कम कलेक्शन है ही, और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेना था तो कम से कम इसे 100 करोड़ के ऊपर का तो कलेक्शन करना ही पड़ता। जो कलेक्शन ये मूवी किसी भी हालत में बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट नहीं कर पाएगा, इसका अंदाजा तो हमें शुरुआत से ही था। जहाँ पे अभी भी ये मूवी थिएटर में टिका हुआ है, कहीं ना कहीं यही चीज़ इस मूवी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे मूवी तो अच्छी थी, बट मूवी का जो रिलीज होने का टाइमिंग है वो थोड़ा सा गलत निकल के आया। जहाँ पे अगर इस मूवी को एक सोलो सा रिलीज मिलता और इस मूवी का रिव्यू काफ़ी अच्छा निकल के आता, तो शायद इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता, जो चीज़ इस मूवी के साथ होते हुए हमें देखने को नहीं मिला। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर खेल खेल में मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।